मैं आप सभी लोगों को विश पाल दिवस के अवसर पर और एक अच्छी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए इसके बारे में डॉक्टर ऋषि ने बहुत अच्छे से बताया, हम लोगों को काफ़ी महंगे बताया। मैं स्वास्थ्य रोग में विशेषज्ञ हूँ और आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो स्वास्थ्य बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। सबसे कॉमन जो बीमारियाँ होती हैं वो कॉमन ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी होती है धमाकी बीमारी। तो अभी सरकार की ओर से भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि अगर घर में आस पास में कोई भी व्यक्ति ऐसा है उसको रोग से ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, बलगम से गर्म खून आ रहा है, सामने फीवर पड़ रहा है, कुछ काफ़ी कमी आ रही है, ये सारे ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको जो है तुरंत मैंने और जो कि हमारे आसपास अवेलेबल है उनसे तुरंत हमें संपर्क करना चाहिए ताकि उसकी पूरे तुरंत जो है डायग्नोसिस करें और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। दूसरी बीमारी जो है बॉन्केल एस्मा या दमा, उसको हम अक्सर एलर्जी एलर्जी कॉम्पैटिस एलर्जी दमा ये बताते हैं। इसका कारण ये है कि पहले के लोग थे, पहले हमारा वातावरण बहुत साफ सुथरा होता था, आस पास इतना कंस्ट्रक्शन नहीं होता था कि बढ़ते हुए हमारे कंस्ट्रक्शन में दूसरे रोज में आगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी मेरे पास मेरे वीडियो में आलमबाग क्षेत्र से बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्योंकि ये चलते हुए करता हुआ मुझे 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 खाने से मौसम बदलता होता है, सांस छोड़ने लगती है, मुझे छीकें आने लगती हैं और मुझे खांसी आती है, तो उनको जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट से उनको आराम नहीं मिलता है। जब उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलते हैं कि जैसे कि रेगुलर के फॉर्म रुकी दवाएँ सीधे फेफड़े के अंदर जाके असर करती हैं तो उनको आराम मिलता है। साथ में जो मैंने पूछा कि कानपुर और लखनऊ के लिए मैं जो और बीमारियाँ इनको बढ़ रही हूँ, तो एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं इंटरस्टीशियल डिजीज या जो है निमोकोनियोसिस बोलते हैं इसको, तो उसका इसका बहुत बड़ा कारण होता है वायु प्रदूषण या फिर वे लोग जो कि पत्थर काटने का काम करते हैं, स्टोन कटिंग का काम करते हैं या माइंस में काम करते हैं, पहले ही उनमें पाई जाती है। लेकिन अभी आम पब्लिक में भी ऐसी एक बीमारी पाई जा रही है, हमारे पास पेशेंट 40 साल 50 साल की उम्र में आते हैं कि हमें स्प्लेंड वो सांस छूट रही है, खांसी आ रही हो और वो दमा समझती या टीवी समझ उनका इलाज हो रहा होता है, लेकिन जब हम उसको वर्कअप करते हैं तो निकल कर आता है कि पेशेंट को इंटरस्टीशियल नहीं होता है, जिससे कि पेशेंट शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आपका वातावरण खुला हवादार होना चाहिए, ग्रो मोर ट्रीज, अपने आसपास हरियाली को कटने मत दीजिए, उल्टा पेड़ बढ़ाइए, वरना आने वाला समय बहुत खतरनाक, आने वाले जनरेशन के लिए तो बिल्कुल ही बर्बादी है। इसलिए उनके लिए और अपने लिए भी इस वक्त स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हरियाली बढ़ाएं, पेड़ ज़्यादा उगाएं और स्वस्थ वायु वातावरण में अपना राउंड लें, अपनी वॉकिंग रखें और स्वास्थ्य खास करके लंग्स के स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें।